तो एक बार भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलीमान से पूछा कि तू जीवों को क्यों मारता है। तो वो कहता है कि ये तो मेरा शौक है। कहने लगा कि हे बुद्ध महाराज, मैं पाप पुण्य कुछ नहीं जानता हूं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि देखो अंगुलीमान, ये जो सामने वृक्ष है इसमें से चार पत्ते तोड़कर मुझे दे दो। वो गया और पूरी टहनी तोड़कर ले आया। उसमें से भगवान बुद्ध ने चार पत्ते तोड़े और कहा कि ये टहनी उस वृक्ष पर वापस लगा दो, मुझे तो केवल पत्ते ही चाहिए थे, ये टहनी नहीं चाहिए। तो कहने लगा कि टहनी अब लग नहीं सकती। तो जब लग नहीं सकती तो तूने तोड़ी क्यों थी? जब तुम्हें मनुष्य को बना ही नहीं तो तुम्हें मारने का भी अधिकार नहीं है। सबका मालिक एक है। तो क्या कहता है कवि अपनी कलम से क्या कल्पना करता है? भाई मौत भूख का एक पिता है, फिर भी तुझको ज्ञान नहीं, हेर अधर्म करके अधर्म करके जीना चाहता, राज धर्म का ध्यान नहीं। भूख का एक पिता है, फिर भी तुझको ज्ञान नहीं। भाई अधर्म करके जीना चाहता, राज धर्म का ज्ञान नहीं। मौत भूख का एक पिता है, फिर भी तुझको ज्ञान नहीं। भाई ज्ञान के कारण जल अग्नि ये वायु तेज आकाश खड़े, ज्ञान से सोचो कोस पर और ज्ञान के कारण पास खड़े, ज्ञान से ऋषि भजन करते बन ईश्वर के दास खड़े, मिले मेरे को मोक्ष होने में नुकर के पूरी आस खड़े मिले।
ज्ञान बिना मैं लंगड़ी होगी, ज्ञान बिना कुदी खाई, ज्ञान बिना मैं बुढ़ी होगी, ज्ञान बिना लंगड़ी ब्याही, ज्ञान बिना तू मुझको खता कुछ तो ज्ञान करो भाई। कह लक्ष्मी चंद भूल गए क्यों कर्म कर्म की सब राई, लक्ष्मी चंद भूल गए सब धर्म कर्म की राई, ईसा निराकार का हो निराकार का बच्चा बन गया के मेरे में भगवान नहीं, भूख का एक बेटा है फिर भी तुझको ज्ञान नहीं, अधर्म करके जीना चाहता राज धर्म का ध्यान नहीं।